भाई जी, इशाना पर इसमें से कुछ भी असर नहीं कर, मुझे तो लगता है कि बुखार बढ़ने वाला है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सब कुछ मेरी वजह से। ना मेरी आंख लगती, ना इशाना पुत्र से बाहर चली जाती। तुम लोग मेरे हवाले करके गए थे बच्ची को, मैं तो, मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मेरे बच्चे। रब जी, ख्याल रख लेना। सुखी, सुखी, ये अरेंजमेंट्स, ये फूल, ये कैंडल्स, तुम्हारे कपड़े, ये सब क्या है? ये सब आपके लिए है टीना जी। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? जी पहले बैठो तो सही, फिर बताता हूँ। आ जाओ जी, लेट मी है, बैठो जी, आराम नाल है। अब बताओ। जी दिन तो कोई खास है नहीं ऐसे, पर मैं इसे खास बनाना चाहता हूँ टीना जी, आपसे कुछ बात कहकर। रियली, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था सुखी। वो यार सपने में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अच्छा कोई नहीं, अच्छा है। क्या? कुछ नहीं जी, बड़बड़ा रहा हूँ, आदत है आपको तो पता है। टीना जी मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अपने दिल की बात। जी कमाल हो गया, आपको कैसे पता? क्योंकि हम दोनों की सोच बिल्कुल मिलती है। ओके, अब पहले तुम बताओ। ओ ना जी, ओ जी लेडी फर्स्ट। एक्चुअली सुखी, मैंने जो अब तक अपने दिल में छुपा कर रखा, वो मैं अब और छुपा नहीं सकती। आई एम इन लव। मैं किसी से प्यार करती हूँ। सच? हाँ, और आज वो यहाँ आने वाला है। यहाँ आने वाला? सरप्राइज। सैम, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो आज ही लंदन से आया है। लगता है वो आ गया। जित, मैंने इस बक्से में खाने का कुछ सामान डाला है, पता नहीं वो लोग वहाँ किस हाल में होंगे, और खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना। जी हाँ, हम लोग पहुँच रहे हैं। पूजा के बारे में पुजारी जी ने हमें बताया, आज नए ऑफिस में। ओके बाय। जीत, नई ऑफिस? लेकिन हम तो माही से मिलने जा रहे थे ना, तो फिर ये नए ऑफिस जाने की बात कहाँ से आ गई? सोनी, दरअसल मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, कल पुजारी जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए नए ऑफिस का मुहूर्त आज ही हमें कर देना चाहिए, इसलिए आज हमने वहाँ पूजा रखी है। तो फिर हम माही से मिलने कब जाएंगे? बाद में चले जाएंगे सोनी, माही के घर सुबह सुबह जाना जरूरी थोड़ी ना है, उसके लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। तुम जल्दी जाकर रिप्सिता को तैयार करो, मुहूर्त निकल ना जाए, और मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा मुहूर्त किसी फालतू बात के लिए वेस्ट हो जाए। ठीक है, मैं अक्षिता को तैयार करके माही से मिलके आती हूँ, और फिर मैं दोनों को साथ में पूजा में भी लेकर आ जाऊंगी। सोनी तो पागल हो गई हो, अक्षिता के हाथों तो काम की पहली नींव रखी जाएगी, शी इज माय लकी चार्म, उसका वहां रहना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम शब्द जैसे अनलकी इंसान को बुलाना क्यों चाहती हो। अरे ऑफिस की ओपनिंग है आज,
अगर वो आएगा तो ऑफिस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। तुम जल्दी से जाकर इप्सिता को तैयार करो, हाँ मैं लेट नहीं होना चाहता। माही मैं केमिस्ट से वो सर्दी खांसी की दवाई दी, ऐसे पिला दो ना। नहीं शब, ईशाना का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले, बल्कि बुखार तो बढ़ता जाए। मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वहाँ तो ठीक कह रही हो। क्यों गया मित्र? वो ईशाना का बुखार बढ़ते जा रहा है, वो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ, आप ऐसे रुक जाना है। अच्छा चलो ईशाना जी, चलो भाई आ जाओ। माता रानी कृपा करे। हाँ चल पुत्र, ध्यान ना। सैम ये सुखी है, मेरा सबसे खास फ्रेंड, और सुखी ये मेरा बॉयफ्रेंड है समीप अरोरा। कॉल मी सैम, शॉर्ट फॉर्म। वाओ, दैट्स इंडिया। ये क्या है? मेरा मतलब मैंने घर पे एंट्री की नहीं कि खाना रेडी? सुखी ने किया है ये सर। सुखी बहुत ही क्यूट है, वो हमेशा मुझे चेयर करने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। दैट्स ग्रेट, पर लगता है ये कोई लाविश ब्रेकफास्ट की तैयारी है। ओ, नहीं जी, वो मैंने टीना जी को आपसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए ये सारी तैयारियां करती। यू लायर, तुम जानते थे कि सैम आने वाला है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, ये सब आपके लिए। मुझे तो पता भी नहीं चला। सुखी तुम भी ना। ओ कम ऑन टीना, सुखी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम उसी को डांट रही हो। थैंक यू बोलो उसको। ओ सॉरी सुखी, यू द बेस्ट। जानता हूं जी। आप लोग बच्ची को बिल्कुल सही वक्त पर लेकर आ गए, अगर जरा सी भी देर हो जाती तो इसका बुखार बहुत बढ़ जाता और हालात कुछ और होते। खैर सिचुएशन अब पूरे कंट्रोल में है, आप इसे दोबारा चेकअप के लिए जरूर ले आइएगा। जी डॉक्टर साहब, कितने रुपए हुए? एक्सरे चेकअप और दवाई तीनों मिलाकर 1500। मैं देती हूं। क्या कैसे पैसों का इंतजाम करेगी? अपने जेवर गिरवी रख के? थैंक यू डॉक्टर। इप्सिता इंडस्ट्रीज, ये कहीं पुत्र वो जीत है ना? नया ऑफिस ले लिया, आज पूजा रखी है और हमें एक बार बताया तक नहीं। वो
सोनी को नए घर का पता नहीं पता ना, इसीलिए शायद न्योता नहीं दिया होगा। चलो हम एक बार मिल ही लेते हैं। पुत्र, श्री गणेशाय नमो नमः। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं चाभम्यावन्तरसुचि। अब यह पवित्र कलश इस ऑफिस में ही रहेगा। यह कलश कामयाबी और बरकत लाएगा। आप इसे अपने हाथों से यहां पर रख दीजिए। यह शुभ काम हमारे हाथों से नहीं, हमारी बेटी इप्सिता के हाथों से होगा। जीत बिल्कुल ठीक कह रहा है पंडित जी। हमारे घर में जितनी भी बरकत आई है ना, सब इप्सिता की वजह से। अब तो हम कोई भी नया काम इप्सिता के आशीर्वाद के बगैर शुरू ही नहीं करते। इसलिए नए ऑफिस का नाम हमने अपनी नन्ही परी के नाम पे रखा है। ईश्वर आपको इस व्यापार में कामयाबी दे। इस बात में ना ही कोई शक है और ना ही कोई सवाल। इप्सिता के हाथों ने इस कलश को छू लिया है और उसके कदम इस ऑफिस में पड़ गए। अब इस बिजनेस को कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये नसीब पता नहीं क्या खेल दिखा रहा है। एक बहन को अमीरी का ताज पहनाया जा रहा है, एक बेचारी गरीबी में पल रही है, एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, एक के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अब आप पूजा की थाली और कपूर और दीप ले आइए। जी हाँ पंडित जी, मैं अभी लाया। नमस्ते जी। तरक्की करो पुत्र। कैसे हो माई? मुबारक हो। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन जी। आगे सोनी ने आप लोगों को बता ही दिया। सोनी ने हमें नहीं बताया, हम पास ही में आए थे। इप्सिता इंडस्ट्रीज का बोर्ड देखा तो सोचा मिलते हुए चले। सत श्री अकाल। जिंदे रह सोनी पुत्र। कहाँ थी तू? मुझे तेरी इतनी फिक्र हो रही थी। सोनी, पूजा में सब हमारा इंतजार करें, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। चलो। मैं अभी आई। हमें पूजा में बैठने के लिए भी नहीं कहा। अब यह पूजा संपन्न हुई, आप सभी लोगों में प्रसाद बंटवा दीजिए। चलिए ताई जी, अब हमारे यहां जरूरत नहीं। अरे एक मिनट रुकिए, पूजा पूरी हो गई है, जी सब तोहफे बांट रहे आप भी लेके जाइए। ये तो वही शब्द सरीन है ना, तूने इसके घर की नीलामी हो गई है, कंगाल हो गया अब ये। इस वक्त सबसे ज्यादा तोहफे की जरूरत तो उन्हीं को है।
कहाँ जा रही हो सोनी? जीत माही जा रही है। तो जाने तो ना, उनका यहाँ रहना जरूरी नहीं।